नमस्कार, मैं हेल्थ इज़ वेल्थ से नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। नेचुरोपैथी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी समय समय पर। आज हम एक अलग से मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता नेचुरोपैथी की किस व्यक्ति को हो सकती है, ये क्वेश्चन मैंने अपने फेसबुक पर पूछा तो बहुत कम रिप्लाई आए, तो इससे मुझे बहुत निराशा हुई। आज फिर जानते हैं इसको। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी की आवश्यकता किस व्यक्ति को है, जो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ समझ रहा है, या जिसको छोटी छोटी परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे नींद नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ी बहुत थकान ज़्यादा लग रही है, दिन भर काम करने में कुछ अस्वाभाविकता है, बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत जॉयफुल नहीं है, अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से नहीं जी रहे हैं, पर जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बट परफेक्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग। फिर एक वो कैटेगरी है जहाँ पर हम बीमारी का नाम कैरी कर रहे हैं, हाई बीपी है, शुगर है, हेडेक है, एस्थमा है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, लाइक दिस। फिर एक और एक लेवल है जहाँ पर हम बड़ी क्रॉनिक इलनेस से शिकार हैं और हम उसको कैरी कर रहे हैं, बहुत टाइम से कैरी कर रहे हैं, जहाँ पर एड्स, हर्पीस, कैंसर जैसी बीमारियाँ अपने पांव पसार रही हैं, वो पहली डिग्री पे भी हो सकते हैं और फोर्थ स्टेज पे भी हो सकते हैं। अब जाने मेरा प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता किसे है। इन सभी केसेस में प्राकृतिक चिकित्सा अपना एक अहम रोल पैदा करती है, चाहे आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, यदि आप उस कंडीशन में प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर्स में या हमारे जैसे सेंटर्स में या और भी जगहों पर जो प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर्स हैं उनमें जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक माहौल मिलेगा जो आपको स्वस्थ रखने की दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ाएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा और जो आप सफ़र कर रहे हैं छोटे मोटे तनाव को, उससे आपको ऊपर रखेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा आसान है समझना, जानना आसान है, बताना आसान है, पर जीना कठिन कार्य है। तो जीने के लिए ऐसे सेंटर्स ढूंढिए, ऐसे प्राकृतिक चिकित्सालय ढूंढिए जहाँ पर आप समय व्यतीत कर सकें। मनोरंजन स्थान अपनी जगह है, प्राकृतिक चिकित्सालय जहाँ पर आपकी शोधन क्रियाएं हो सकें, जहाँ पर आपके मन के तनाव को दूर किया जा सके, जहाँ पर आपको ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पर आप अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर कर सकें। अब बात आती है, यदि आप बीमारियों से परेशान हैं तो आप किस स्थिति में बीमारियों में प्राकृतिक चिकित्सालय में आएंगे। यदि आप एक्यूट डिजीजेज में आएंगे, मतलब तुरंत के तुरंत इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उस समय पर आपको प्राकृतिक चिकित्सा साथ में दी जाएगी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा से फ़ायदा होगा। अगर आप क्रॉनिक इलनेसेस में आएंगे तो आपका शरीर रुग्ण हो चुका है, आप बहुत सारी दवाएं खा करके आए हैं, तो उस समय पर आप किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, अगर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारियों में बहुत ज़्यादा। तो मैं समझती हूँ कि वीडियो को इतना ही रखा जाए जिससे आप मेरे कंटेंट को बार बार सुने और समझ पाएं, और अपने आप को कम से कम हफ्ते में एक दिन, महीने में 3 दिन, 15 दिन में एक दिन, जैसे आपको सुविधा हो, अपने आप को समय दान दें, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रजिस्टर्ड करें। हमारा क्लिनिक सुबह 8 बजे से 4 बजे तक इस सेवा को आपके लिए उपलब्ध करा रहा है, जहां पर आपको मेंटल प्लस फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन मिलेगा, जहां पर थोड़ा विपश्यना का अभ्यास, त्राटक का अभ्यास, प्राणायाम, आसन, जलनीति, कुंजल, मटपैक, अनिमा, स्टीम बाथ, मड बाथ, मसाजेस, शिरोधारा, इन सब का एक सम्मिलित रूप आपको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है, और आहार भी इसमें हम ही देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि शरीर को कितना हल्का रखना आवश्यक है। आप इस नंबर पे 9793849333 पे रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी दिन आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, एक ग्रुप में रजिस्टर कर सकते हैं, पूरी फैमिली रजिस्टर कर सकती है, और तब आप देखेंगे कि आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो थोड़ा स्पीड अप हो गया है, थोड़ी लॉन्गिविटी बढ़ गई है, थोड़ी लाइवनेस बढ़ गई है, थोड़ी हैप्पीनेस बढ़ गई है।
तो आई होप आप अब समझ गए होंगे नेचुरोपैथी। थैंक यू।